नमस्कार दोस्तों, इस थर्सडे बृहस्पतिवार की शाम 8 बजे की सभा में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आप लोगों को पता है कि मैंने एक तरह से कॉम्पिटिशन रखा हुआ है कि फर्स्ट लाइक जो करेगा उसको कुछ टाइम के बाद एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। सो उसके लिए भयंकर कॉम्पिटिशन चल रहा है और आज दो लोग क्लेम कर रहे हैं, दोनों का नाम HT है। सो आज देखते हैं कि फाइनली किस पे समझौता होता है। अभी तक समझौता हो नहीं पाया। फिलहाल हम आपसे जुड़ रहे हैं आज। बहुत ही ज्यादा इस विषय पे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं, स्किन रिलेटेड डिजीजेस, त्वचा संबंधी जो बीमारियां होती हैं वो क्यों होती हैं, क्या उसका मूल कारण है और उसकी जो उसका जो निवारण है वो वाकई में जो एलोपैथिक दवाइयाँ लोग लेते हैं या कोई और घरेलू नुस्खे लेते हैं उसमें इलाज है या कोई और इलाज है या फिर इन दोनों को मिला के इलाज है। तो ये सब सवाल तो हम हमारे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर अवधेश पांडे जी से पूछेंगे। और आज ये वाला क्योंकि स्पेशली टीनेजर्स में भी आजकल एक्ने और पिंपल्स का प्रॉब्लम बहुत होता है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वाला एपिसोड आप लोग जितना ज़्यादा हो अपने यंग से लेके और जिनको ये प्रॉब्लम है ज़रूर शेयर करें। So, welcome everyone, और let me welcome Dr. Deshpande. Dr. साहब, नमस्कार and welcome to the show. नमस्कार जी। मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आज आप एक दूसरे ऑफिस में बैठे हुए, कुछ नई जगह पे बैठे हैं, तो ये कहाँ पर है डॉक्टर साहब और क्या कर रहे हैं आजकल? ये मेरा ही ऑफिस है, ये बैंगलोर में है और बैंगलोर से मैं आज लाइव हो रहा हूँ। बैंगलोर में हम लोग का वो 3 days प्रोग्राम चल रहा है, तो यहाँ पे एक ऑफिस भी बनाया हमने और स्टूडियो जैसा ही है। अरे वाह, बड़ा ही मनमोहक बनाया हुआ आप लोगों ने, मॉडर्न। सो डॉक्टर साहब, आज का जो है टॉपिक बहुत ही हाई इन डिमांड है डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स तो हर थर्ड और फोर्थ कमेंट में आता है कि ये मेरे को सरोसिस है, एक्ने है, पिंपल है। तो ये डॉक्टर साहब इतना प्रिवलेंट आपको, क्योंकि आप तो 30-35 साल से मेडिकल फील्ड में हैं, तो ये पहले इतना था कि अभी ज्यादा हो गया? और अगर अभी ज्यादा हो गया तो डॉक्टर साहब इसके बारे में पूरा जरा डिटेल में समझाइए, क्योंकि लोगों के बहुत बहुत सवाल हैं डॉक्टर साहब। द स्टेज इज ऑल योर्स। स्किन डिजीजेस द बिगेस्ट टिश्यू लेवल पे, ये बिगेस्ट टिश्यू है, पूरा का पूरा आपको ढके हुए है, आपके पूरे के पूरे अस्तित्व को ढक के रखा हुआ है आपके स्किन ने। स्किन आपको एक दूसरी एंटिटी बना देती है फ्रॉम दी अदर पर्सन, और लोगों को लगता है कि स्किन जो है, स्किन में दो तरह की प्रॉब्लम्स होती है। लोगों को लगता है कि स्किन बिल्कुल ही अंदर की चीजों को प्रोटेक्ट करके रखता है, बाहर की चीजों को अंदर आने नहीं देता है। स्किन इज अ कवरिंग। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पलटते जा रहे हैं धीरे धीरे। स्किन इज पोरस, हर कुछ अंदर जा सकता है, और अगर वो हैवी मेटल है तो वो फट से अंदर चला जाएगा, बिकॉज ऑफ इट विल ग्रेविटेट इनसाइड। तो जो लोग क्रीम्स लगाते हैं उसमें बहुत हैवी मेटल्स होते हैं, उसमें SPF 2 है, SPF 4 है, SPF 6 है। सुन के ये वर्ड्स बड़े कैची लगते हैं, स्किन में यूज हो जरूरी नहीं है, और इनसे सन रेज रिएक्ट करके कई रिएक्शंस कॉज करते हैं और कई बार इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक कई चीजें हो सकती हैं। लेकिन हम ब्लेम उस क्रीम को नहीं करते हैं, सूरज को कर देते हैं, क्योंकि सूरज रिटेलिएट नहीं करेंगे, वो रिटेलिएट करेंगे दूसरे फॉर्म में करेंगे, वो आपको दिखेगा नहीं। एनीवे, तो ये जो हम ये कर देते हैं ब्लेम गेम चलाना, कभी सूरज को ब्लेम कर दिया, कभी पेरेंट्स को ब्लेम कर दिया कि मेरा तो ये जेनेटिक डिजीज है, तो ये इंसान करता रहता है, और इंसान को प्रेरित साइंस करता है जिसके मैं खिलाफ हूँ। हम कई चीजें जो जेनेटिक्स में 10 साल पहले पढ़ते थे आज वो पलट गई, आज वो चीजें रेलिवेंट नहीं है,
ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, ये सब चीजें रेलिवेंट ही नहीं रह गई हैं एपिजेनेटिक्स के आने के बाद। तो इसलिए कई चीजें पलटती जा रही हैं। उसी तरह स्किन है, तो स्किन में दो तरह की डिजीज, लोकल, लोकल एंड फोकल या जनरल डिजीज। जब भी लोकल एंड फोकल होगा इट विल बी बिकॉज ऑफ सम एक्यूट इंसल्ट टू दैट प्लेस। एक्यूट एज इन इमीडिएट, एक्यूट एज इन अ लिमिटेड एरिया, एक्यूट एज इन रीसेंट। तो ये तीनों को मिला के मैं एक्यूट बोल रहा हूं। एंड जनरल डिजीज प्रोसेस इज बिकॉज ऑफ अ जनरल कंडीशन जो स्किन टिश्यू को इफेक्ट कर रहा है। नॉर्मली ऐसी कोई लोकल फेनोमेनन नहीं है जो जनरल स्किन को इफेक्ट करे, इट हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड। तो वो ऑटो इम्यून प्रोसेस है जो स्किन में आके बैठ जाती है, जैसे सोरियासिस। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जहां भी बनता है इसमें, तो दो तरह के डिजीजेस हो गए, लोकल एंड फोकल एंड अ जनरल स्किन डिजीज। तो लोकल एंड फोकल, कई बार जनरल स्किन डिजीज लोकल एंड फोकल मैनिफेस्ट करते हैं, ये भी पहचानना जरूरी है। जैसे रिंगवर्म्स, रिंगवर्म्स इज अ जनरलाइज्ड डिजीज बट मैनिफेस्ट्स एट प्लेसेस जहां जहां पे सनलाइट एक्सपोजर और हवा का एक्सपोजर कम है, जैसे अंडरगार्मेंट एरियाज में, जो आप दिन भर 24 घंटे में ज्यादातर टाइम जब अंडरगार्मेंट्स पहने रहते हैं वो एरिया वल्नरेबल है। तो वहां पे लोकल एंड फोकल दिखने वाले डिजीज एक्चुअली जनरलाइज्ड है। तो ऐसा नहीं है कि आप वो लोकल एरिया को ट्रीट कर लोगे तो जनरल आपको फिर कभी भी नहीं होगा। तीसरी कैटेगरी ऑफ स्किन इरप्शंस, क्योंकि स्किन आपका शोकेस है, आपका शोरूम है। तीसरी कैटेगरी है इम्यून डेफिशिएंट डिसऑर्डर, जैसे इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाता है, तो हर्पिस वायरस का अगर इन्फेक्शन होता है तो वो स्किन में शो होता है, तो आपके शोरूम में वो शो होने लगा। कई चीजें ब्लेमिशेस स्किन पे शो होती हैं, इट इज नॉट अ लोकल डिजीज, इट इज अ जनरलाइज्ड डिजीज। तो हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लोकल फोकल है या जनरलाइज्ड डिजीज है और उसके कॉजेज क्या है, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी। एक बार ये आइडेंटिफाई कर लिया लोकल है कि फोकल है कि नहीं और जनरलाइज्ड डिजीज है और कॉज क्या है, तो ट्रीटमेंट बिकम्स वेरी सिंपल। तो अगर एक एग्जांपल लेके चला जाए, जैसे सोरियासिस का आपने मेंशन किया है, सोरियासिस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज। सोरियासिस मैनिफेस्ट ये कर सकता है स्किन के किसी भी पार्ट में, ज्यादातर मैनिफेस्ट करता है थिक स्किन एरियाज में, लेकिन थिन स्किन एरियाज में भी मैनिफेस्ट कर सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एज थिन एज स्कैल्प, स्कैल्प में मैनिफेस्ट करता है सोरियासिस। सोरियास्टिक स्कैल्प होते हैं, वो बाल नहीं झाड़ सकते हैं ये बेचारे बिकॉज ऑफ सोरियासिस। तो ये सभी चीजें समझने वाली बात है। अगर सोरियासिस को जनरलाइज्ड ऑटो इम्यून डिजीज को जितना आप लोकली छेड़ेंगे उतना वो बढ़ेगा, उतना वो ग्रो करेगा, बिकॉज आपको आता ही नहीं है कि प्लग कहाँ पे करना है। प्लग यहाँ पे लोकली नहीं करना है, प्लग वहां पे करना है जहां से सोर्स है। अगर वहां पे प्लग कर दिया सोरियासिस अपने आप ठीक हो जाएगा। और ज्यादातर चूंकि 80% इम्यून सिस्टम गट में रहता है, अगर आपने गट को हील कर दिया सोरियासिस अपने आप हील हो जाएगा। तो लीकी गट इज द मेन रीजन। नाउ लीकी गट कुड बी बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल डेफिशिएंसी 80-90%, बिकॉज ऑफ माइक्रोबायोम डेफिशिएंसी, बट 10% इज बिकॉज ऑफ योर मनोमय कोश। अगर मैं आपसे जलता हूं तो ये संभव है कि एक्सट्रीम ऑफ इमोशंस में लीकी गट हो जाए और ऑटोइम्यून डिजीज सेटअप हो जाए। तो आप देखेंगे इमोशनली चैलेंज्ड लेडीज को ज्यादातर आप सोरियासिस देखेंगे सोल्स में। जैसे ही आप एक फीमेल ऑफ द एज ऑफ से 30-40, इफ यू सी सोरियासिस इन द स्किन, यू शुड ऑलवेज रिफ्लेक्ट कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा है।
इसीलिए वो सोरियासिस है, उस पे दया आने की जरूरत है, उसको वहां से भी निकालने की जरूरत है, क्योंकि सोरियासिस आप ट्रीट कर लेंगे। जो लोग, जो मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, अगर वो सुन रहे हैं, वो सोरियासिस शायद ऑटो इम्यून डिजीज समझ के क्योर कर भी लेंगे, वो फिर से वापस होगा, क्योंकि मनोमय कोश आपने क्लीन नहीं किया। तो एक समग्र रूप से पेशेंट को देखना जरूरी है, दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक, इन तीनों एंगल से किसी भी डिजीज को देखना जरूरी है, तभी हम क्योर की बात कर सकते हैं, तभी हम परमानेंट क्योर की बात करेंगे। अदरवाइज तो दिल बहलाने के लिए स्टेरॉइड का ख्याल भी अच्छा है। जी जी डॉक्टर साहब, भगवान ही बचाए स्टेरॉइड से डॉक्टर साहब, क्योंकि अगेन जैसे मैं बोलता हूँ, डॉक्टर हेगड़े बोलते हैं, एवरी एवरी पिल डजंट क्योर एनी लाइक इल, बट द शो डज गिव यू इल। क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब, वो इनकी फेवरेट लाइन है कि किसी दवाई से बीमारी तो दूर नहीं होती, लेकिन हर दवाई से बीमारी दूर। देयर इज नो पिल फॉर एवरी इल, बट देयर इज एन इल आफ्टर एवरी पिल। यस। सो डॉक्टर साहब, टू समराइज, आपने ये सारे जो स्किन रिलेटेड डिजीजेज हैं, आपने बताया कि 90% अगर हम लीकी गट फिनोमेना फिक्स कर लें, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ऑटो इम्यून कंडीशन, और दूसरा मनो ऑटो इम्यून, तो लोग हमारे चैनल पे समझने लगे हैं ऑटो इम्यून लीकी गट, क्योंकि चैनल ही माइक्रोबायोम को डेडिकेटेड है। मनोमय के बारे में आज भी किसी का मैसेज आया था, क्योंकि मैं जो कोर्स रन कर रहा हूँ तो उसमें मैंने लोगों को बोला कि आप लोगों को कुछ और प्रॉब्लम जो जनरलाइज में डील नहीं कर पाता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बताइए। तो उनका भी मैं यही था डॉक्टर, मुझे था कि मैंने यही बोला कि आप मनोमय कोश पे काम करें। तो क्योंकि अगले हफ्ते जो है मेरा 6th क्लास, उसमें मैं इसी पे आ रहा हूँ कि कैसे मनोमय कोश और इस पे कैसे आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन जो लोगों को नहीं पता डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार, क्योंकि मनोमय कोश मुझे लगता है कि सबसे पहले हिट करना चाहिए आपको, सबसे पहले उस पे जाना चाहिए, बाकी फूड और ये सब बाकी चीजें सब कुछ बाद में आती हैं। जब तक आपके अंदर का मनोमय कोश में ही अगर जमा हुआ है, तो थोड़ा सा उस पे डॉक्टर साहब क्या होता है मनोमय कोश, और कैसे उसको क्लीन कर सकते, थोड़ा ब्रीफली डॉक्टर साहब, व्हाटएवर यू कैन। जरूर, मैं एक चीज चाहूंगा कि अगर आपके चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, अगर वो, क्योंकि हम लोग जो कोर्स चलाते हैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन का, जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन वर्कशॉप है, जो 4 दिन का कोर्स होता है, उसमें ये सब बहुत डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। प्लस एक आपके चैनल की गृहिणी भी, अगर गृहिणी हैं वो, और गृहिणी का काम है अपने घर को स्वस्थ रखना, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो फादर इन लॉ हो, चाहे वो उनके फादर ही खुद क्यों ना हो, तो एक ये गृहिणी जो है दुर्गा जैसी होती है, उसको सबका ख्याल रखना है। अगर अपने फादर से मिलती है तो उसके लिए वो शैलपुत्री है, और अगर किसी दुष्ट से मिलती है तो वो कालरात्रि है उसके लिए, तो उसका रोल चेंज करता रहता है। तो ये जो हम कोर्स 15th to 19th of May में कर रहे हैं बैंगलोर में ही, यहीं पे, एक तो मौसम बहुत अच्छा है, दूसरा ये है कि कोर्स करने के बाद आपको एग्जैक्टली मालूम हो जाएगा कि जो छोटी छोटी इलनेसेस हैं जिसके लिए आप यहाँ वहाँ भागते हो, वो आप कितने आराम से, कितने कॉन्फिडेंस से घर पे डील कर सकते हो, और बड़े आराम से डील कर सकते हो, और क्योर की तरफ लेके जा सकते हो। हमसे भी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसको बहुत सिंप्लीफाइड, आप तो लास्ट टाइम आए थे, हमने इसको इतना सिंप्लीफाइड बनाया है कि अगर इस रास्ते पे आप चलते रहें, और आपको खाना भी वैसे ही दिया जाता है कि अगर आप 3-4 दिन में आपकी आदत हो जाएगी, अगर आप ये सीधा का सीधा इम्प्लीमेंट कर दें अपने घर में, आपको स्वास्थ्य मिल जाएगा, जो यूजुअली आजकल स्वास्थ्य रेयरली मिलता है, मिलता ही नहीं। दूसरा, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, तो ये मैं आपको बताना भूल गया, 15 से लेके 19 मई में बैंगलोर में है ये, नीला मंगला में श्री परिपूर्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में हम कर रहे हैं, एंड दिस सर्टिफिकेट विल बी अवॉर्डेड बाई
आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड बाय द आयुष मिनिस्ट्री, एक तो वो था। दूसरा ये था कि हम लोग जो जो आप मनोमय कोश की बात कर रहे थे, तो ये जो शरीर आपको दिखता है ये अन्नमय कोश है। क्यों है अन्नमय कोश? क्योंकि ये एक सेल से शुरू हुआ था, अन्न खा के आपने, अन्न ये पहले मदर से लेके फिर उसके बाद मदर के वूम से निकल के जब बच्चे थे तो खा के आपने इतना बड़ा शरीर किया है, तो ये अन्नमय कोश। लेकिन ये अन्नमय कोश वैसे का वैसा ही रह जाता है डेथ के बाद ही, और ये पंच तत्व से बना है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो इसको चलाता कौन है? इसको चलाता है आपका प्राण, उसको प्राणमय कोश कहते हैं। इस प्राण को चलाता है आपका मन, उसको मनोमय कोश कहते हैं। आपके मन को चलाता है आपका विशेष ज्ञान, जिसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। और उस इन सभी कोश अगर ये एक साथ समन्वय बना के चल रहे हैं तब आप आनंदमय कोश तक पहुंचते हैं, और आनंद ही आनंद होता है। अगर इन चारों में कहीं कोई गड़बड़ी है तो ये मैनिफेस्ट, बाकी सब तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, मेटाफिजिकल लेवल पे है, आपको दिखेंगे नहीं। तो ये तीनों में अगर गड़बड़ी है तो मैनिफेस्ट कहाँ करेगा? अन्नमय कोश में। इसीलिए बीमारियों का बेसिस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ज्यादातर मेटाफिजिकल होता है। इसीलिए जब मैं बोलता हूं कि 70% ऑफ ऑल कैंसर दैट आई नो, मैं हो सकता है बहुत कम कैंसर जानता हूँ, वैसे हमारा मॉडर्न मेडिसिन में काम भी 60-70% कैंसर का ही है, और वैसे भी हम कैंसर पेशेंट, लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि मैं बहुत कम कैंसर पेशेंट्स को जानता हूँ या बहुत कम डील किया हूँ, फिर भी मैंने जितना भी डील किया है, मेरा कंक्लूजन ये है कि 70% आपकी गड़बड़ी मनोमय कोश में है, तभी आपको कैंसर होता है। इसलिए जरूरी है इसके बारे में बात करना, जरूरी है इसके बारे में पूरा जानना, और जरूरी है इसको क्योर करना, क्योंकि जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे, जो मैनिफेस्टेड डिजीज है कभी ठीक नहीं होगा। अगर एक जगह से सर्जरी से निकाल दिया आपने तो दूसरे जगह से सर उठा देगा, जिसको आप मेटास्टेसिस कहेंगे। इसलिए जरूरी है ये जानना, जरूरी है ये करना। और अगर इससे ज्यादा डिटेल में चाहिए तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बैंगलोर आइए और इस कोर्स को फिजिकली लाइव ज्वाइन करिए। 15 से लेके 19 तक मैं चारों दिन यहीं पे हूँ, आप अपने क्वेश्चंस के बंडल भी लेते आइए। हाँ, ज्वाइन करने के लिए व्हाट कैन बी डन इज, मेरा जो मोबाइल नंबर है 9815099999, जो आप बाद में चला देंगे, वहां पर आप रजिस्टर करिए इस कोर्स के लिए। और जैसे ही रजिस्टर करेंगे, ये कॉल सेंटर नंबर है, समबडी विल कॉन्टैक्ट यू बैक, एंड वो सारा कुछ आपका आपका रजिस्टर करके। एंड स्टूडेंट्स के लिए, जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए व्हाट वी कैन डू इज, दे हैव टू प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट कि वो स्टूडेंट हैं और वो मतलब दूसरे पे आश्रित हैं, दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स फॉर देयर ये, तो वी कैन गिव देम अ लॉट ऑफ कंसेशन ऑल्सो, बिकॉज वी वॉन्ट द स्टूडेंट्स, द जेन नेक्स्ट, टू एक्चुअली कम अप विथ ऑल दीज थिंग्स, सो दैट हम अगर रहें ना रहें, हम दूसरों तक ये बातें पहुँचा तो पाएँ। और मैं देखता हूँ ऐसी बातें करने वाले लोग ही नहीं है आज। जी 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 डॉक्टर साहब, ये नंबर चला दिया अभी डॉक्टर साहब, 9815099999। तो दोस्तों, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, श्योर प्लीज कॉल एट दिस नंबर। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन बड़ा रेकरेंट और आता है। उससे पहले मैं ये बता दूं दोस्तों कि मनोमय कोश को डील करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला, और ये सब मैं, जैसा मैंने बोला, कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन में, और बहुत डीप में मैं जाऊँगा इस बार। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरा ये होता है कि कितना ज्यादा नॉलेज आप लोगों को फ्री में मिले और आप लोग उससे अपने आप को एम्पावर फील करें और हेल्थ को अपने आप में लेना, मेरा बस ये मकसद है इस चैनल को चलाने का। तो मैं एक को दोस्तों, आप लोग अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो फाइव शीट्स
ऑफ बॉडी ऐसे कुछ आप गूगल में सर्च करेंगे तो मैं उनको बहुत सुनता हूँ। स्वामी सर्व प्रियानंदा है उनका नाम, मैं उनको बहुत ज्यादा सुनता हूँ। इज अ वेरी थॉरो जेंटलमैन, बहुत ही ब्यूटीफुल लिखते हैं। प्लीज आप लोग जरूर उनको देखा करें, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कंप्लेंट किया कि आप सिर्फ इंग्लिश जो बोलने वाले लोग हैं उनका रेकमेंड करते हैं। जैसे मैं डॉक्टर वेन डायर को बहुत रेकमेंड करता हूँ, तो मैंने भी सोचा कि बात तो सही है कि मैं ये चुराया तो उन्होंने भारत से ही और नाम अपना लगा के लगा दिया। तो ये बहुत बढ़िया वेदों के ज्ञाता है स्वामी सर्व प्रियानंदा का, देखिएगा। तो डॉक्टर साहब मैंने बताया कि मैं उसका बहुत मेडिटेशन और इन सब चीजों का उनका बहुत सुनता हूँ। सवाल ये था डॉक्टर साहब, कई लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब को इतनी नॉलेज है, और डॉक्टर साहब ने एक शो में पिछले 2-3 हफ्ते पहले बोला भी था कि गुरु के बिना इनिशिएट नई चीजें करनी चाहिए क्योंकि कई बार वो गड़बड़ हो जाता है। तो क्वेश्चन ये डॉक्टर साहब कि आपके गुरु कौन है? मेरी गुरु मेरी माँ थी, जिससे व्यवहारिक जीवन में बहुत कुछ सीखा मैंने। जैसे निर्जला व्रत की अगर आप पहले के वीडियोस खंगालेंगे तो आप देखेंगे, मैंने मेंशन किया है कि जब वो निर्जला व्रत करती थी, मैं स्कूल से आता था, मैं बहुत नाराज़ होता था, तुम ये क्या कर रही। लेकिन मैं उसका एनर्जी लेवल दूसरे दिन देखता था, बहुत हाई एनर्जी लेवल होता था। एनीवे तो ये बातें मैं इंट्रीग्ड होता था, ये चल क्या रहा है। तो उसी समय हमें पता चल गया कि देर इज अ गैप बिटवीन व्हाट आई एम बीइंग टॉट एंड व्हाट शुड बी दी अंडरस्टैंडिंग। तो वहीं से ब्रिज होना शुरू हुआ। फिर माँ से बहुत इंटरेक्शन, कई बातें पूछना कि आपको फीलिंग कैसा आ रहा है, ये वो, ये एज अ चाइल्ड, इंक्विजिटिव चाइल्ड मैं पूछता गया और बहुत सी बातें लेयर बाई लेयर दिमाग में बैठती गई और ये बात समझ में आने लगी कि इट इज नॉट व्हाट इज बीइंग टॉट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू रीड इन बिटवीन द लाइंस। अनलेस वी रीड इन बिटवीन द लाइंस बहुत सी बातें समझ नहीं आती। तो इसलिए सेल्फ स्टाइल्ड में हमें कई चीजें, ये पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते मैं आयुर्वेद भी पढ़ता था, मैं ये भी पढ़ता था, तो कई चीजें पढ़ के, जान के, समझ के, लोगों से डिस्कस करके, आयुर्वेद वालों से क्या मतलब है, लेकिन फिर भी मैं उनको ढूंढ ढूंढ के डिस्कस करता था। कई लोग उतना डीप नहीं थे तो वो चले जाते थे, कई लोग फिर आते थे, फिर कई देर तक बात करते थे। तो कई कई जगह से टुकड़ों टुकड़ों में हमने सीख के संजोए के इंटीग्रेटेड मेडिसिन का शेप दिया है इसको। इसलिए कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं ये रेफरेंस कहाँ से है, ये रेफरेंस कहाँ से है। ऑल दो ये सभी रेफरेंसेस थैंक्स टू गूगल मिल जाता है, लेकिन ये सभी चीजें हमने जब सीखी है बड़े टुकड़ों टुकड़ों में सीखी है और तब जाके हम उसको एक कर पाए। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और आपकी बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक खुद भी रखता हूँ मैं, क्योंकि मैं भी अभी 5 साल पहले तक अपने मम्मी जी को माता जी को बोलता था कि भाई आप क्यों फास्ट रखते हैं, आपकी उम्र इतनी होगी, आप ना रखा करो। और जब मैंने ये 5 साल से मेरी ये जर्नी शुरू हुई और जब मैंने देखा कि फास्टिंग के क्या ज़बरदस्त रिजल्ट्स होते हैं, तब मेरे को दिमाग में तब आना शुरू हुआ कि मेरी माँ बच्चों के लिए यहाँ पे ईस्टर्न यूपी में आपको पता बहुत खतरनाक वाले एक तरह से फास्टिंग होते हैं, 36 घंटे से लेकर 48 घंटे तक निर्जला की फास्टिंग, यू नो ज्योतिया होता है चाहे छठ का होता है, इतना फास्ट रखा जाता है निर्जला। तो जब मैंने डॉक्टर साहब ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकल देखा कि मेरी माँ के जनरेशन में तो मेरी माँ बिल्कुल स्वस्थ है अभी भी, और नेक्स्ट जनरेशन में लोगों के बुरे हाल है, तब मुझे समझ में आया कि जो लोग ये खाने पीने पे पूरा लगे हुए हैं, और दीपक आर्या जी का एक वर्ड मुझे याद आ रहा है, भकोसने वाला की भकोसते हैं, और आप भी किसी राक्षस का नाम लेके बोलते हैं कि वो बन गया पेट में, क्या महिषासुर घुस गया है क्या, तो वो खाने से एक्स्ट्रा ज्यादा खाने से क्या बीमारियां बढ़ी हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, मैंने अपने पर्सनली अपने आसपास के लोगों को देखा। तो ये चीजें हैं। और दूसरी बात, अगेन आपके साथ मैं सहमत हूँ कि मेरा भी वही होता है कि मैं तो आपकी तरह से नॉलेजेबल नहीं डॉक्टर साहब, बट जो भी नॉलेज है मुझे होता है कि कितने ज्यादा लोगों का मैं सुन सकूँ, कितने ज्यादा लोगों का, कि हर का अपना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, और लोग मुझसे ये पूछते हैं कि वो ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं। मैं दोस्तों अगेन आपसे ये बोलूंगा कि आप अपना भी दिमाग लगाइए, आप अपने बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करिए। आप क्यों रेडीमेड हर एक चीज, आपको 2 मिनट नूडल को तो आप बोलते हैं कि खराब है,
लेकिन आपको रेडीमेड प्रोटोकॉल चाहिए कि कोई बता दे और आप कर ले, मैं उसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं भी जो बता रहा हूँ उसमें आप खुद एक्सपेरिमेंट करिए, देखिए कि आपकी बॉडी सूट कर रही है कि नहीं, बिकॉज ईच इंडिविजुअल बॉडी हैज इट्स ओन यूनिक बॉडी का जो अंदर का सिस्टम है, माइक्रोबायोम का है। सो प्लीज दोस्तों, आप लोगों में से ऐसा सवाल पूछते हैं मैं आप लोगों का जवाब नहीं दे सकता, ना कभी दे पाऊंगा। सो डॉक्टर साहब, अगेन बिकॉज ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए था, दोस्तों आप लोग 130 लोग जुड़े, प्लीज लाइक कर दें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब ना करें। एक और चीज जी, एक और चीज बोलना चाह रहा था मैं बातों में, माइक्रोबायोम का जिक्र करना भूल गया। सो स्किन का डेफिनेशन अगर ठीक से देखा जाए तो स्किन का डेफिनेशन जो आपका आउटर कवरिंग है वो स्किन है, और ये यहां तक लिप्स तक तो स्किन है, लिप्स के अंदर जब जाता है आपका पूरा गट इज योर स्किन। तो माइक्रोबायोम 5 तरह के सिर्फ स्किन में होते हैं, 5 डिफरेंट तरह के माइक्रोबायोम सिर्फ स्किन में होते हैं। एक जनरल स्किन माइक्रोबायोम मैं डिफाइन कर दूं, एक स्पेशल ये स्किन के लिए जो हैंड्स में होते हैं, एक लेग्स, एक फुट के स्किन के लिए वो डिफरेंट माइक्रोबायोम होता है, जो जेनाइटल्स हैं जहां पे उसका माइक्रोबायोम डिफरेंट होता है, जो एनल एरिया है उसका माइक्रोबायोम डिफरेंट होता है, और गट माइक्रोबायोम होता है। गट माइक्रोबायोम अगेन इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज, द एंटीरियर चेंबर माइक्रोबायोम ऑफ द माउथ, द पोस्टीरियर चेंबर माइक्रोबायोम ऑफ, मतलब दांत के पीछे और ईसोफेगस तक, उसके बाद ईसोफेगस से लेके एनस तक, दैट इज वन मोर, द थर्ड कैटेगरी ऑफ द माइक्रोबायोम। तो ये इतने कैटेगरी ऑफ माइक्रोबायोम सिर्फ स्किन पे होते हैं, जो मैं जस्ट ये बताना चाह रहा था। सो दिस स्किन दैट इज एन एक्सटर्नल कवरिंग ऑल्सो गोज इनसाइड फॉर्मिंग द गट। तो जो भी आप बाहर से लेते हैं, बाहर से यहां भी लगाते हैं या बाहर से अंदर भी लेते हैं, ये वीडियो जो मैं जो ये बातें बोल रहा हूं आपको 2 बार वापस इसको रिवाइंड करके सुनना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। तो ये यूजुअली जो स्किन यहाँ पे आपको लगता है खत्म हो जाती है, वही एक्सटेंड करके अंदर जाके ये गट बनाती है। तो चाहे आप फूड यहाँ पे रखें या अंदर ले लें, आपका स्किन एक्सटर्नली है और इंटरनल बॉडी उससे डिफरेंट और उससे रिएक्ट करती है। तो जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट गट कैन बी एन एक्सटेंशन ऑफ द स्किन। जी जी डॉक्टर, बिल्कुल। स्किन जो आपका है दोस्तों, वो आपका जो गट लाइनिंग है उसका इनसाइड आउट है। सो आपको कहीं भी स्किन में आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो आपके गट की लाइनिंग में प्रॉब्लम है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। दूसरा डॉक्टर, मैं 3-4 चीजें अगेन इस पे, क्योंकि स्किन की बात हो रही है। एक तो लोग, अभी आपने बात भी किया, सनस्क्रीन मैं 2 साल पहले मैंने शो एक छोटा सा वीडियो बनाया था, प्लीज देखिएगा आप लोग। ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी बैन हो चुका है, क्योंकि मेरे ख्याल से बेंजीन उसमें एक होता है कंपाउंड, उसकी वजह से, और अब जाके यूएस में भी बैन होने लगा है। इंडिया में भी लोग क्रेजी हैं। प्लीज दोस्तों, ये सब चीजें अभी हमने बताया कि जो नेचर ने जो बनाया ना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको बेचने के लिए चीजें की जाती हैं। और मैंने एक बार लिखा भी था, तो कह रहे थे कि भाई नहीं अच्छा होता, तो अगेन डू योर रिसर्च। डॉक्टर साहब, जो कपड़ा भी हम पहन रहे हैं ना, तो उससे जो कपड़े में जो एक्सेप्ट फॉर द नेचुरल क्लोथिंग लाइक कॉटन, यू नो प्योर कॉटन, या जो बॉडी के जो पीएच लेवल के बराबर उस हिसाब से जो मैच कर रहा है, हम जो पॉलिस्टर और ये सब जो चीजें पहने लग गए हैं, उसको जो सूडो एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, उससे भी बॉडी पे बहुत असर हो रहा है डॉक्टर साहब, उसके बारे में, क्योंकि उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसमें ना सिर्फ आपकी बॉडी बल्कि जो कपड़ा वो डिस्पोज ऑफ हो रहा है, तब एनवायरमेंट में भी बहुत नुकसान कर रहा है। तो हमारे को वापस पारंपरिक जो भारतीय जो वीविंग का कल्चर था, वो अगेन मैं उसी पे ले आता हूँ कि हमारा जो रास्ता सिर्फ जाता है आपकी बॉडी को गट लाइनिंग के लिए, वो गौ माता से जाता है, और बाकी जो हमारी पारंपरिक जो चीजें होती थी वीविंग वगैरह और जो भी नेचुरल वे में बनता है दोस्तों, वही रास्ता सिर्फ आपको स्वस्थ रख सकता है। तो डॉक्टर साहब, इस 2-3 चीजों पे, और लोग हैंड सैनिटाइजर लगा के, वही जो आप बात बोल रहे थे, जो अच्छे माइक्रोब से वो मार रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम बीमार क्यों रहे हैं। और बिफोर गिविंग द स्टेज टू डॉक्टर साहब, दोस्तों आप लोग लिख रहे हैं कि मैं धूप में जाने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये मुझे साइरोसिस हो रहा है,
तो आप ये ना सोचे कि आपने एक चीज खाई उसकी वजह से हो रहा है। जैसे डॉक्टर साहब एक एग्जांपल देते हैं कि मलेरिया का जो मच्छर होता है 100 लोगों को काटता है, उसमें से सिर्फ 5-7 को होता है, बाकियों को क्यों नहीं होता है? वैसा ही है आपके अंदर गट माइक्रोबायोम का एक डिसबायोसिस है, तो उसी को वो प्रॉब्लम होगी कि माइग्रेन भी हो रहा है, उसी को मैनिफेस्ट चीजें होंगी। तो सोल्यूशन अगेन, माइक्रोबायोम आप फिट करेंगे, बैलेंस में रखेंगे, तो सारी चीजें अपने आप शुरू हो जाएंगी। इसीलिए माइक्रोबायोम का कोर्स, और इसीलिए माइक्रोबायोम पे मेरा पूरा 100% फोकस। बट डॉक्टर साहब ये 3-4 चीजें मैंने जो बताई इस पे, क्योंकि ये लोग बिल्कुल समझते नहीं है कि कपड़ा कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इनफैक्ट उससे मैं एक बार आपको याद दिलाऊं, आप अपनी एक कैंसर ब्रेस्ट की पेशेंट थी, उसका सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन उसका कैंसर रिग्रेस नहीं कर रहा था। हमने बड़ी कोशिश की, उसका मनोमय कोश भी क्लीन किया, सब कुछ, मतलब मेरे समझ से, जितनी मेरी समझ थी, मुझे लगा कि ये बहुत ही ठीक से रिग्रेस कर जाएगी, बहुत ठीक से करेगी, लेकिन वो कर नहीं रही थी। और इतना रेजिस्टेंस हमने पहले देखा नहीं था, मतलब इतना कुछ करने के बाद, क्योंकि कई लोग बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं जो हम उनको बताते हैं। ये सारा कुछ कर रही थी, फिर भी इसका नहीं हो रहा था, हमें आश्चर्य हुआ। और फिर हमने उसके कपड़े बदल दिए, क्योंकि हमें ये मालूम था कि स्यूडो एस्ट्रोजेंस स्किन से जा सकते हैं और उसको और हवा दे सकते हैं। आप सरप्राइज, हम खुद सरप्राइज हो गए, जैसे हमने स्किन के कपड़े बदले और प्योर कॉटन पे लेके आए, विदिन 2 वीक्स शी स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग एंड द ट्यूमर स्टार्टेड रिग्रेसिंग। तो हमें बड़ा कंफर्म हो गया कि कपड़ा कितना बड़ा रोल प्ले करता है। सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन अगर कपड़े ठीक नहीं पहने तो वो आपको कहां तक लेके जा सकता है। तो इसलिए, और ये कपड़े जो हैं, ये एक पर्टिकुलर इससे मिलते हैं कि ये तो ड्राई फिट हैं, और ये बहुत ही, आपको जान के बहुत आश्चर्य हुआ, जो गार्बेज आपने फेंक दिया है उससे ये ड्राई फिट कपड़े बने हैं, और ये पूरा का पूरा प्लास्टिक है, और ये पूरा का पूरा स्यूडो एस्ट्रोजेंस आप पे छोड़ेगा। लेकिन जरूरत ये है कि आप इन बातों को समझें। एक तो वो बहुत महंगा भी मिलता है, पता नहीं क्यों इतनी महंगी कौन सी बात है, और वो बोलते हैं इसको धोने की भी जरूरत नहीं है। जब भी आपको कोई ऐसी बातें बोली जाएं जो आपको लगे कि ये नेचर से बड़ा दूर जाती हुई बातें हैं, कि इसको धोने की भी जरूरत नहीं है, तो उसको अब ये पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्मेल नहीं करता है, आप थिंक अगेन, आप क्या बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। तो बेहतर है कि आप देसी हो जाएं एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न, और जुबान से बहुभाषी हो जाएं, कभी फ्रेंच बोलें, कभी इंग्लिश बोलें, और ऐसा बोलें कि उनको भी शर्मिंदगी फील हो, अपना नॉलेज लेवल वैसे बढ़ाएं, लेकिन कपड़ों में देसी हो जाएं, ताकि आपका स्किन माइक्रोबायोम प्रोटेक्टेड हो, जो आपको इन टर्न प्रोटेक्ट कर सके। अगर आपका स्किन माइक्रोबायोम ही प्रोटेक्टेड नहीं होगा, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, कोई एक दिन पूछ रहा था मुझसे, धर्मो रक्षति रक्षता, आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी खुद ही रक्षा करेगा। उसी तरह आप अपने माइक्रोबायोम की रक्षा करिए, माइक्रोबायोम आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। जी जी डॉक्टर साहब, मेरे एंड पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो आवाज बोल रहा हूँ सर, यस माय नेम इज अजीत बिसेन, फ्रेंच और इंग्लिश बोलती हूँ सर, मैंने वही हाबला स्पैनियोल के स्पैनिश भी बोल दिया मैंने आपके लिए, क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं डॉक्टर साहब। और दूसरा पार्ट आपने जो बोला था, भारतीयता में मैं पूरा रच बस गया हूँ, और आई एम लविंग दैट भारतीय वे ऑफ लाइफ, और इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और दोस्तों, अगर वाकई में आपको जिंदगी के मजे लेने, तो आपको एक तो भारतीयता पे आना पड़ेगा, प्लस अगर आप सचमुच में अपना सेहत सुधारना चाहते हैं तो गांव की तरफ आपको जाना पड़ेगा, शहरों में वो चीजें नहीं मिलेंगी आपको। तो थोड़े से स्टार्ट करिए, देखिए, एक्सपीरियंस करिए, कुछ
पार्ट अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ मुंबई में नया त्रिपाठी जी लोगों ने गाय अडॉप्ट किया, चार पांच फैमिली ने मिलकर गाय रखी, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर राउंड ऑफ सर। जरूर। सिंह वाहिनी आयुर्वेद रोगोपचार, अगला सवाल है कि आफ्टर हैविंग ट्रीटमेंट फॉर सम डिजीज, कुछ दवाइयों का ट्रीटमेंट लेने के बाद ये देखा गया है अक्सर कि फेस के स्किन पे खुजली शुरू हो जाती है, तो ये क्या एलोपैथिक दवाई लेने की वजह से होता है? ये है ये क्वेश्चन वेग थोड़ा, लेकिन मैं क्रक्स समझ रहा हूँ कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। तो कोई भी स्किन, कोई भी आप जो दवा लेते हैं, सबसे पहले लीवर में मेटाबोलाइज होता है और 99% तो वो लीवर ही उसको निकाल देती है, और जो लीवर नहीं निकाल पाती है स्किन के तरफ भेजती है, और स्किन से वो इरप्ट होके बाहर निकल जाता है। और कई चीजें जो स्किन निकालना चाहती है वो माध्यम बनाती है, कई बार ये ब्लॉक्ड हो जाते हैं। मैं इसलिए स्किन के ना ये सब सेबम और सेबेशियस ग्लैंड्स और ब्लॉकेजेस की बात इसलिए नहीं किया कि ये सभी चीजें एक्ने वगैरह जो हैं ये ग्लैंड्स के ब्लॉकेजेस से ऐसे होती है। सेबेशियस ग्लैंड्स भी हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी हैं, ये जब ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि आप यूनिफॉर्मली स्वेट नहीं करते हो, आप बार बार वाइप कर लेते हो, कभी पंखा चला लेते हो, तो आपको स्वेटिंग मतलब होती नहीं है, इसलिए स्वेट ग्लैंड, स्वेट पोर्स कई बार ब्लॉक हो जाते हैं, कई बार सेबेशियस ब्लॉक हो जाता है, कई बार वो सिस्ट बन के आ जाता है क्योंकि आपने इतना फैट खा लिया तो वो लाइपोमा बन के निकल आता है। वो स्किन इरप्शन नहीं है, वो एक जनरलाइज डिजीज है जो आपके गट से आई है, जो स्किन में मैनिफेस्ट हो रही है। तो वो स्किन डिजीज की कैटेगरी में नहीं आती है, लेकिन कई बार स्किन स्पेशलिस्ट ट्राई करते हैं उसको स्किन के तौर पे ट्रीट करने का, जो कि यूजुअली सक्सेसफुल नहीं होता। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द सोर्स कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। द सेकेंड पार्ट इज द क्वेश्चन वॉज कि जो ड्रग्स हम ये लेते हैं ये स्किन पे मैनिफेस्ट कर सकते हैं बिकॉज द स्किन इज इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग इट आउट थ्रू द स्किन पोर्स, तो ये आपको प्रोसेसेस मिल सकते हैं और ये प्रॉब्लम हो भी सकती है। जी जी डॉक्टर साहब, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग लोगों को चीज ये पता नहीं होगी, आपने बताया और अभी हम जो डॉक्टर हिंदे की बात कर रहे थे कि आप कोई भी दवाई ले रहे हैं आपके लिवर में वो जाके उसको वो कर रहा है वो, तो आप देखिए कोई भी चीज, कोई भी दवाई आप ले रहे हैं लिवर पे सीधा आपके लोड पड़ रहा है उसको, क्योंकि हर एक चीज को वो फॉरेन मटेरियल लेके उसको टॉक्सिक समझ के उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, जितनी मर्जी अच्छी दवाई। तो डॉक्टर मैं सही बोल रहा हूँ कि लिवर यही सोच के ऐसे ही काम कर रहा है? सो दोस्तों इतना समझिए कि आपका लिवर हर कुछ भी जो वही चीज है कि कोई भी जो आज तक नेचुरल फॉर्म में बॉडी ने नहीं लिया है, बॉडी के लिए वो फॉरेन मटेरियल है, दुश्मन है, उस पर अटैक करना, उसको प्रोसेस करना उसका काम है। तो लिवर पर कितना ज्यादा बोझ बना रहे हैं, और यही चीजें आप जो खाना खाते हैं केमिकल वाले फूड्स, जंक फूड, बॉडी को ऐसे ही मेहनत करनी पड़ती है और फिर आप सोचिए कि बॉडी रिपेयर मोड में क्यों नहीं आ पाती। सो प्लीज ये जंक फूड खाना बंद करें, प्लीज ये प्रोसेस्ड फूड खाना बंद करें, प्लीज ये पैक्ड फूड आप लोगों को लगता है, कैंड फूड आपको लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में दोस्तों जो लेटेस्ट रिसर्च आया, एवरी सेकेंड टीनेजर गर्ल आउट ऑफ थ्री, एवरी टू आउट ऑफ थ्री आज की डेट में डिप्रेस्ड है। टीनेजर गर्ल वेस्टर्न वर्ल्ड में 2 out of 3, जस्ट इमेजिन इस उम्र में जबकि बच्चों को खुश रहना चाहिए तो वो क्यों हो रहा है, और हम अंधों की तरह से फॉलो कर रहे हैं जो वेस्टर्न, हमने नाम भी आपको बताया था सैड बोलते हैं स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट, और एक बार मजाक में हम भी यहाँ पे लिखने की कोशिश बना रहे थे एक्रोनिम आईसैड बोला था किसी ने, इंडियन स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट हो गया आईसैड। सो प्लीज दोस्तों इन सब चीजों को अगेन भारतीयता पे जाइए, जो भारतीय तरीके से खाना हम खाते थे उस पर जाइए, और डॉक्टर साहब कहते हैं 2 जून की रोटी, स्पेशली जो 30-35 साल से ऊपर हो गए उनको तो 2 जून से रोटी के अलावा उनको नहीं खाना चाहिए दोस्तों। डॉक्टर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन सोनिया सिंगल जी पूछ रही है कि मेरा 20 साल का बेटा है, उसको हैंड फुट माउथ डिजीज हो गई थी जो कि एक्चुअली बचपन का डिजीज है, चाइल्डहुड डिजीज है, तो उसका ये इन्फेक्शन का रीजन क्या हो सकता है कि 20 साल की उम्र में उसको ये बीमारी हुई? डिसबायोसिस
इतना हमने वो लगाया, क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइजर लगाया और साबुन से हाथ धोया, हम मिट्टी से दूर जाते गए, ये डिसबायोसिस कॉज करेगा। इसलिए मिट्टी में वापस आना जरूरी है, मिट्टी की ताकत पहचाननी जरूरी है और उस पर काम करना बहुत जरूरी है। जी जी सो दोस्तों, जो पहली बार जान रहे हैं, डिसबायोसिस का मतलब है कि आपके अच्छे माइक्रोब्स जो माइक्रोबायोम है वो खराब कम हो गए हैं और खराब वालों ने ओवरटेक कर लिया। तो दोस्तों प्लीज अगेन मिट्टी में जाइए, हम मिट्टी में हमसे पले, हम माइक्रोब्स हमारे को बनाते हैं, हमारा 1% जीन है उनका 99% जीन्स, हम उसके पीछे दुश्मन कैसे हो सकते हैं, सिंपल सा, वो हमें जिंदा रखे हुए हैं और आप उनको मारने के पीछे पड़े, वो आपको जिंदगी दे रहे हैं और आप उनको मौत दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बहुत स्मार्टनेस कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हम पूरा कोर्स में डिटेल में कवर करते हैं। आप प्लीज माइक्रोबायोम का कोर्स नेक्स्ट बैच में करूंगा डिक्लेयर, अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट बैच का पूरा रिजल्ट एक बार करना चाहूंगा एनालाइज, क्योंकि रिजल्ट्स तो फिनोमिनल आ रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर एक से बात करके देख सकूं कि क्या क्या रिजल्ट किसको पता लिया है, क्योंकि लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं कि दे आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक, दे आर फीलिंग हैप्पियर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और बाकी बीमारियां तो जा ही रही हैं। दीपक आर्य साहब ये पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कि मेलासोमा क्यों होता है और इसकी चिकित्सा क्या है। मेलासोमा लिख रहे हैं MELASMA। हाँ, तो मेलानिन डेफिशिएंसी से होगा, आई होप द स्पेलिंग इज करेक्ट। तो मेलानिन कई बार पैकेट्स में डेफिशिएंट होता है या टोटल डेफिशिएंट होता है, तो वो देखना पड़ेगा किस चीज का। कई बार लोग बोलते हैं जेनेटिक डिजीजेस हैं, पहले हम भी यही जानते थे कि ये जेनेटिक डिजीजेस हैं, बट इट हैज एन एपिजेनेटिक बेसिस एंड इट कैन बी क्योर। टुडे जेनेटिक डिजीजेस कैन बी वेरी इजीली टैकल्ड विथ, ये कोशिश किया जा सकता है कि पूरी की पूरी डिजीज ठीक हो जाए। एम आई ऑडिबल? जी डॉक्टर, आवाज आ रही है आप कुछ? आवाज आ रही है, चीज पैकेट्स में मतलब होती है। दिस कैन बी, दिस इज ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज एंड इज अ रिजल्ट ऑफ डिसबायोसिस, और इसका लोकल स्किन पे आप जितना मर्जी करते रहे कुछ भी नहीं होगा, यू हैव टू ट्रीट इट इन एन ऑटो इम्यून वे। जी मालती कुमारी जी का अगला सवाल है डॉक्टर साहब कि मेरा बेटा जब शेव कर बनाता है तो स्किन रेड होके ब्लैक हो जाती है, डॉक्टर ने फंगल इन्फेक्शन बताया था और उसे वैसलीन लगाने को लिए बोला है, तो इसका इलाज आप बता सकते हैं क्या? ये एक इंडिविजुअल, और चूंकि ये इनके बेटे की एज क्या है वो देखना ज़रूरी है, एंड ये बहुत ज़रूरी है कि इसको यहीं पे निप इन द बड किया जाए। शेव करते हुए अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत ज़रूरी है उसको इंडिविजुअली देखना, बिकॉज दैट इज़ द फेस ऑफ द पर्सन एंड द फेस ऑफ थिंग्स आर द रियल थिंग्स, बाकी सब तो बैक एंड में होते हैं। जैसे लोग अगर कोई ये होता है तो फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ही इज द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो फेस ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहूँगा आप इसको टाले ना, आप इसको इंडिविजुअलिस्टिक प्रश्न सोच के हमसे स्पेशली पूछें, मे बी विल बी एबल टू हेल्प यू। जी जी डॉक्टर साहब, आपने ये तो सही बोला, इंडिविजुअलिस्ट क्वेश्चन तो ले सकते हैं, लेकिन ये अगेन वही फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो एक जनरलाइज, अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन तो उसको कैसे ठीक करें, इंदु जी का सवाल है। उसको उसको रीबायोसिस करना पड़ेगा, डिसबायोसिस का उल्टा है रीबायोसिस, आपको रीबायोसिस करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजों की कमी है। फंगल को एंटी फंगल से नहीं प्रो फंगल से मारना है, बैक्टीरिया को एंटी बैक्टीरिया से नहीं प्रो बैक्टीरिया से ठीक करना है। सो अगेन वी वुड नीड टू सी, बट जनरली अगर देखा जाए
तो फंगल इन्फेक्शन जहां पर है, आप अगर सिर्फ पीएच चेंज कर देंगे स्किन का, तो माइक्रोबायोम स्किन अपने आप अट्रैक्ट से स्किन को आता है, माइक्रोब्स को अट्रैक्ट कैसे करना है, आपने पीएच चेंज करके रखा हुआ है, उसको आप पानी नहीं दे रहे हैं, कभी आप लाइसिल पाउडर लगा रहे हैं, कभी आप ये, मतलब आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों ना हो, ऐसी कुछ आपने छोड़ी नहीं है। तो हमें थोड़ा सा हम उससे बाहर आए, हम सबसे पहले तो सोप लगाना बंद करें। अगर सोप लगाना बंद करेंगे आपके बहुत से प्रॉब्लम, आप देखेंगे 60-70% ऑफ योर स्किन इश्यूज विल बी ओवर जस्ट बाय स्टॉपिंग सोप। और आप फिर धीरे 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 मिट्टी मिट्टी वाला सोप जो हम आजकल बहुत हाई डिमांड में है वर्ल्ड वाइड, कहाँ कहाँ से हमें वो मिट्टी के सोप का कॉल भी आता है, और ये भी आता है कि हमें आप पूरा एक ट्रक भेज दो। एक तो आया कि एक जो कंटेनर है वो आप भेज दीजिए, और हम यहाँ पर कोई एक फॉरेन लैंड में है, वो बोले कि हम यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ये कर लेंगे। हमने हाथ जोड़ दिया, होते कि इतना तो हम बना ही नहीं पाएंगे, हम तो घरेलू उत्पाद के लिए जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, प्लस कुछ जो थोड़े बहुत खरीदना चाहते हैं वो खरीद ले आते हैं। हमारा कोई रामदेव टाइप इतना बड़ा कोई बिजनेस नहीं है, और हम ऐसा करने के बहुत इच्छुक भी नहीं है, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स ऐसे टाइम पे बहुत काम आते हैं जिसमें आपको, हाँ, कोई खुशबू बदबू दोनों नहीं है उसमें, लेकिन आपको फील होगा कि आपका बॉडी साफ हो गया, और ये है कि वो मिट्टी है, और वो अभिमंत्रित मिट्टी है जिससे अब वो बना है। वो एक बार नहाने के बाद बहुत फ्रेश फील होता है और ठीक से पसीना आता है, तो लगता है कि हाँ पोर्स भी खुल गए, लेकिन साबुन लगाने के बाद पोर्स बंद हो जाते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो आप सोप लगाना छोड़िए, और आप देखिए 60-70% ऑफ दिस प्रॉब्लम्स विल बी ओवर इंक्लूडिंग द फंगल इन्फेक्शन। जी जी बिल्कुल दोस्तों, ये बात समझने की कोशिश करिए कि जैसे भी पूरा स्किन के ऊपर आपके माइक्रोब्स बैठे और वो आपके स्किन को रेगुलेट कर रहे हैं, और आप उन्हीं को साबुन लगा के मार दे रहे हैं, और आप अपने आप को अगेन स्मार्ट समझ रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा साबुन लगा लिया। ये ऐसी चीज है कि आपको प्लास्टिक खाने को दे दिया जाए, कहा जाए कि आप प्लास्टिक खाइए क्योंकि बहुत अच्छा है। अब वो केमिकल्स उनके लिए ऐसे मारने वाली चीज है, आप उसको मार रहे हैं, और जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और डॉक्टर साहब आपका भी मैंने साबुन दिया था तो मिला था मुझे, मैंने गिफ्ट में और मैंने यूज किया, फैंटास्टिक सोप, और अब मैं हुक्ड हो गया हूँ कि बिल्कुल ऐसी चीजें या तो यूज करो या बिल्कुल साबुन ना यूज करो, कोई जरूरत नहीं होती ऐसे हमेशा रोज रोज साबुन लगाने की। और आपका मेरे को एक वो एक फ्रेज याद आता है कि नींबू युक्त साबुन क्यों, नींबू क्यों नहीं, नेचुरल चीजें भगवान ने नेचर में दी है वो आप यूज करें दोस्तों। ये सब ये मार्केटिंग जिसको बेचने के लिए किया जा रहा है दोस्तों वो आपके लिए ठीक नहीं है। सिंपल सा फंडा है, आप अपना खुद दिमाग लगाइए। और मेरे एक अंकल थे, मैं भूल गया अब उनका पूरा वो लाइन, भगवान की आत्मा को शांति दे, वो बोलते थे अकल के हैं हम दुश्मन और हमने पता नहीं किस पे जंग छेड़ रखी है, कि मतलब हम एक तो अकल के दुश्मन है और हमने अकल के खिलाफ ही जंग छेड़ रखी है, तो मतलब हमने ठान रखा है कि हम हार भी रहेंगे, उसमें जीत हमारी हो नहीं सकती है, अकल के हैं हम दुश्मन और हमने जंग छेड़ रखी है, तो भैया जीतेंगे तो आप कभी भी नहीं, और यही माइक्रोब्स पे आप कर रहे हैं, सिंपल सा फंडा है। और डॉक्टर साहब आपने सोप की बात की, शैम्पू की भी प्लीज डॉक्टर साहब, क्योंकि शैम्पू के लिए भी सेम वही चीज है, शैम्पू के बारे में बता दीजिए। शैम्पू भी हम एक बनाते हैं और इस कोशिश में है कि उसमें समहाउ कोई और कुछ चीजें जैसे कोलोइडल जिंक, क्योंकि लोगों के बाल बहुत वाइट हो रहे हैं आज के दिन में, और बाल का वाइट होना स्किन डिजीज है, एक्चुअली इट इज अ स्किन डेफिशिएंसी जो कोलोइडल जिंक की डेफिशिएंसी है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अभी जो एग्जिस्टिंग शैम्पू है वो बहुत फ्रेग्रेंस देगा, बहुत आपका बाल को बहुत वो रखेगा, सॉफ्ट रखेगा, आपको शायद वो कंडीशनर वगैरह की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हम बहुत जल्दी कोलोइडल जिंक युक्त कुछ लेके आ रहे हैं जिसमें बाल आपके ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे अगर वो प्री मैच्योरली ग्रे हैं और या डेफिशिएंसी से, जिंक की डेफिशिएंसी से ग्रे हैं तो। जी
जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल है YouTube फिटनेस का कि मेरे मेरा स्किन तो व्हाइटिश है टोन में, बट मेरे नीज और एल्बोज बहुत काले हैं, सो देयर इज नो अदर प्रॉब्लम ऑन दोज एरिया, द स्किन टेक्सचर अपीयर्स नॉर्मल, हाउ टू क्योर? तो पूरा बदन तो व्हाइटिश है और लेकिन सिर्फ वहां पे क्यों काला है? तो स्किन प्रॉब्लम तो नहीं है ये सन नहीं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी चेक कराएं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हाइपो या हाइपर पिगमेंटेशन दोनों होता है, तो विटामिन डी जरूर चेक कराएं, और विटामिन डी का लेवल्स बहुत जरूरी है सही रहना, और मेरा ये मशवरा है कि उसमें सन एक्सपोजर बढ़ाएं वहां पे जहां पर आपको हाइपो या हाइपर पिगमेंटेशन है, बहुत फर्क पड़ेगा उससे। जी अजीत जी, मैं आज विल टेक वन मोर क्वेश्चन एंड वाइंड अप। जी डॉक्टर, मैं देख रहा था कि मुझे लग गया था पता कि आप आज थोड़ा से बिजी हैं, सो आपसे एक मिनट डॉक्टर साहब, मेरी रिक्वेस्ट है कि दो सवाल लेंगे और आप ब्रीफली ले सकते हैं। एक तो आपके आपके इसी पे एक तो सवाल आ गया डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने शैम्पू की बात छेड़ दी तो लोग यही पूछ रहे हैं, रजनी जी पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब से पूछे कि वो हेयर में क्या लगाते हैं, उनके हेयर इतने ठीक है, और डॉक्टर साहब हेयर कलर कौन सा लगाते हैं, क्या उनको हेयर का कलर डिफरेंट होता है? डेफिनेटली वो ऑर्गेनिक कलर ही यूज करते होंगे। हाँ, उसको बड़ा अच्छा एक फ्रेज में यूज करता हूँ, इनके लिए भी यूज करूंगा, दैट्स फॉर मी टू नो एंड यू टू फाइंड आउट। ओके सर, डॉक्टर साहब एक्चुअली लास्ट वीक में आपने क्वेश्चन लिया था और उसके बाद इनका कमेंट आया था, और ये आई थिंक आई एम पुटिंग दिस क्वेश्चन फॉर द लास्ट टाइम बिकॉज आई वांट टू रिजॉल्व कि आपने ये जो जवाब दिया आपकी तरफ से फाइनल जवाब है, इसलिए मैं ये लेना चाहता था, इसलिए मैंने आपको बोला कि दो क्वेश्चन होगा डॉक्टर साहब, क्योंकि लास्ट दो हफ्ते पहले शायद आपने क्वेश्चन का जवाब लिया था कि फैट को किसी ने बोला था कि हम दुबले हो गए हैं तो हम मोटे कैसे हों, तो आपने बताया था कि पोटैटोज और वो सब आपने बताया था, तो ये ध्रुव लटोरिया साहब, ध्रुव हमारे यूथ हैं, तो इनका सवाल ये है कि व्हाट डज डॉक्टर हैव टू से अबाउट द कंडीशन ऑफ मोस्ट इंडियंस, स्किनी फैट ये बोलते हैं कि भारतीय मोस्टली स्किनी फैट हैं, इनकी इनकी निगाह में, इनके परसेप्शन में, तो रिसेंटली ही एडवाइज टू ईट मोर कार्ब्स, दैट इज आपने कहा था कि आलू खाइए, पोटैटोज, व्हिच इज एग्जैक्टली द रीजन फॉर दिस स्किनी फैट कंडीशन, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, इसका ही इज अ वेल रेड पर्सन, आई शुड से दैट, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू गेट दिस क्वेश्चन, लेकिन यूजुअली आप अगर देखें द वे वी ईट कार्बोहाइड्रेट्स एंड द वे वी ईट फैट, ये दोनों चीजें सही नहीं है। कार्ब्स को भी, ज्यादातर कार्ब्स को जैसे हम डील करते हैं, जैसे हम खाते हैं, वो तरीका ही नहीं है उसको खाने का, बट द मोस्ट पैलेटेबल और एंड द मोस्ट वायबल ऑप्शन यही है चोखा, जिसमें आप आलू को बॉयल भी कर देते हैं और तेल ऊपर से डालते हैं, तो आप फैट भी आपने डाल लिया, कार्बोहाइड्रेट भी डाल लिया, और दोनों चीजें बहुत इजीली डाइजेस्टिबल भी हैं, बहुत इजीली असेंबल भी हो जाती हैं, और आप का यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, सिर्फ आप वैसे फैट नहीं होंगे या स्किन फैट नहीं होगा, या ये जो इंडियंस को ब्लेम किया जाता है बिकॉज उनको लगता है कि नहीं, जो रियल मील है वो तो नॉन वेजिटेरियन मील है, वेजिटेरियन मील तो कोई मील ही नहीं है, ये लोग ऐसे टर्मिनोलॉजीज निकालते हैं, बट नॉनदलेस इट इज टू अ ग्रेट एक्सटेंट ट्रू ऑल्सो। जी जी डॉक्टर साहब, सो थैंक यू वेरी मच, आप आज भी बिजी थे और आप फिर भी आप आए एक्सक्यूज मी अपने बिजी स्केड्यूल में से, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, संडे को फिर से आपसे मिलेंगे डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जरूर, जय हिंद, जरूर जरूर, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही, और जो लोग ये सवाल पूछते हैं, जैसे अभी रजनीकर जी आपका सवाल ले लिया था, लेकिन जो ऐसा भी है, यही मैंने बोला था कि हैंडमेड ये व्हाइट स्पॉट निशान है, ये सब ऑटो इम्यून डिजीजेस के निशानियां हैं दोस्तों, और इसका फिर से आप शुरू में जाके देखिए, जो उन्होंने बोला 90% एक्सक्यूज मी ऑटो इम्यून कंडीशन से हो रहा है, और 10% मनोमय कोष को आप
टच करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, तो वो बीमारियां वहां से जानी शुरू होंगी। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों जो भी आप लोगों के है ना ऑटो इम्यून कंडीशन, सरोसिस, एक्ने, पिंपल्स और ये सब जो हम बातें कर रहे थे, फंगल इन्फेक्शन, ये सब आपके माइक्रोबायोम के डिसबायोसिस से हो रहा है। तो जैसे रजनीकांत जी का सवाल है, मैं एक तो और देख सकता हूँ क्योंकि आज हमारे पास डॉक्टर साहब थोड़े जल्दी चले गए, और मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ दोस्तों यूजली। अब बाकी सवाल नहीं, मैं जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जो आप लोग ऑटो इम्यून कंडीशन, आप सिंपल गूगल सर्च करेंगे ना, देखिए कि आपका कंडीशन ऑटो इम्यून है कि नहीं है। अगर ऑटो इम्यून है तो उसका वही इलाज है कि आपके गट के डिसबायोसिस को आपको ठीक करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। और आप लोग चाहें तो नेक्स्ट बैच मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, माइक्रोबायोम पे ही मैं काम कर रहा हूँ और बहुत जबरदस्त। जैसे अब ये सोनिया सिंगल जी आपका सवाल वैसे ले लिया था, डिफरेंस बिटवीन डैंड्रफ एंड साइरोसिस, अगेन आपका देखेंगे ये आपका गट डिसबायोसिस का है क्वेश्चन। और किसका हो सकता है, ये जैसे ये है फोरहेड की स्किन काली हो गई है, बोला फंगस है, तो ये फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सब अगेन क्योंकि आपने जो अच्छे वाले माइक्रोब्स हैं आपने अपने स्किन में, ये जो केमिकल्स आप लगा रहे हैं, जो भी आप केमिकल्स लगा रहे हैं, जो भी आप वैसलीन के नाम से, और उसमें नेचुरल चीज नहीं है, आप कुछ भी उसमें केमिकल्स हैं, तो वो उससे मरते हो बैक्टीरिया। तो जो नॉर्मल जो यूजली देखिए कैस्टर ऑयल आप यूज कर सकते हैं, आप नारियल का तेल यूज कर सकते हैं, जो नेचुरल चीजें हैं वो यूज करें। हम क्या हो गया कि हमारे को जो पैकेज मिल रहा है और ग्लोइंग दिख रहा है, और ग्लोइंग और पैकेज बेचने के लिए ही उसको ग्लोइंग बनाया गया कि आपको बेच सके। तो ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। ये शशि ग्रोवर जी एक्रेमेंशिया और बाकी हम माइक्रोब्स की बात सैटरडे को जरूर करेंगे, अगर आप आएंगे वहां पर पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। आज स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है सिर्फ ध्रुव जी का, मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया था एक्सेप्ट फॉर द स्किन, बिकॉज की उनका ये क्वेश्चन रेगुलेट था, वांटेड टू मेक श्योर कि वो डॉक्टर पांडे से जोड़ का था, डॉक्टर पांडे से उनका व्यू ये है। और जो मेरे से आप पूछोगे तो मैं एक तो बोलूँगा लेंटल्स लेना चाहिए, लेंटल्स लो ना आप, दालें हैं, फिर हमारे पास जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, स्पिनिच वगैरह है, उसमें बहुत बढ़िया प्रोटीन्स होते हैं, आप उसमें अपना जो अंकुरित है, स्प्राउट्स है, माइक्रो ग्रीन्स है, यू नो इट हैज टू बी मिक्स ऑफ एवरीथिंग, कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने के उसके साथ मिक्स, जैसा हमारा भारतीय कल्चर है, देखिए जो खाने में हम प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी हैं, फैट भी हैं, और आप देखेंगे जो एक्चुअल खाना उसमें छह जो टेस्ट है आयुर्वेद में बताएगा वो भी रखने की कोशिश की गई है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ भारतीय संस्कृति और भारतीय खाने का वो तरीका भी वही था। अभी आप देखेंगे तो हम छह टेस्ट की बात कर रहे हैं, छह रसों की बात कर रहे हैं सॉरी आयुर्वेद के हिसाब से, अमेरिका तो सिर्फ पांच फूड पे ही डिपेंडेंट रहेगा, सिर्फ पांच तरह के फूड। तो ये सब चीजें इसलिए मैं बोलता हूँ भारतीयता पे आएंगे तो ये सब बीमारियां अपने आप जाने शुरू होंगी। खाने का तरीका हमें अपने एंसेस्टर्स की तरह रखना पड़ेगा, हमारे जो पूर्वज खाते थे, रहना आज के डेट में जैसा है ठीक है, यू कांट चेंज इट, लेकिन खाने का तरीका तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम होती रहेंगी और आप उसके पीछे भागते रहेंगे। तो वही कहता हूँ कि दोनों में से एक चीज आपको सिलेक्ट करनी है कि अभी आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करके पूरी जिंदगी एंजॉय करना चाहते हैं, या अभी आप एंजॉय आपको लग रहा है कि आप कर रहे हैं और पांच साल, दस साल, बीस साल के बाद आप बाकी उम्र आप हॉस्पिटल केयर में गुजारिए, अपना मैनेज करिए डिजीजेस को, क्योंकि वो ठीक होने वाला नहीं। लेकिन गुड पार्ट ये है कि माइक्रोबायोम में पावर है कि आप 10 साल का इंसल्ट बॉडी को करते हैं, वो उसके अंदर इतनी पावर है कि 3 से 6 महीने में आपको बिल्कुल वापस नॉर्मलसी पे लेके आ सकता है। सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू कि अपने बॉडी को 10 साल इंसल्ट करें, बट आई एम रिकमेंडिंग यू कि एक बैलेंस, अगेन मैं यही बोलता हूँ कि मैं बिल्कुल रिस्ट्रिक्टिव कभी कोई डाइट रिकमेंड नहीं करता, कभी रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल नहीं बोलता, लेकिन जब आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने उसको वापस अपने नॉर्मलसी को रिस्टोर करके देन यू एंजॉय योर लाइफ, यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ। ये मानव जन्म मिला इसमें आपको चीजें करनी भी है, आपको ना बाहर घूमना है, बाहर खाना भी है, लेकिन अगेन मॉडरेशन, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, क्या बोलते हैं भूल गया, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। ओके फ्रेंड्स, सो 130 लोग देख रहे हैं, लाइक कर दें, और जो लोग मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब ना करें जब तक आपको कॉन्टेंट पसंद नहीं आता, पसंद आता तो जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इट हेल्प्स मी, इट मेक्स मी थिंक दैट यू नो आई एम डूइंग समथिंग गुड। सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं 1 घंटे से पहले खत्म करना चाहता हूँ। दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ भारत, स्वस्थ हिंद। मिलते हैं सैटरडे शाम को 8 बजे, वंदे मातरम।